15 अगस्त तक के लिए विशेष ऑफर दिया गया है। तो ये ढोलक का अनबॉक्सिंग वीडियो है और ये बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ढोलक है जो मुझे गिफ्ट किया है। किसने गिफ्ट किया है ये वीडियो में आप देखते रहिए। मैं उनका एड्रेस भी दूंगा आपको, उनको फोन नंबर भी दूंगा, आप उनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो देर न करते हुए अब हम ढोलक की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो एक ये गिफ्ट है उनकी तरफ से, इनका नंबर भी मैं आपको बता दूंगा कि ये कहाँ से गिफ्ट मिला मुझे। इनके यहाँ जो है पूरा काम होता है, ढोलक, तबला और बैंड का सामान। आपको ढोलक के पूरे चाहिए, उसके चमड़े के चमड़ा चाहिए, बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का इनके यहाँ काम होता है। और एक बार मैं जिन्होंने भेजा, साहिल भाई, तो साहिल भाई को मैं धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस गिफ्ट के लायक समझा और उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया। तो साहिल भाई थैंक यू। और दोस्तों अब इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त करते हैं और इसको ओपन करते हैं। ओपन करने में कुछ चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए क्योंकि उसकी पैकिंग कैसे की गई है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से भी चाकू लगाया और बस खोलना चालू कर दिया। जैसे इस ढोलक में आप देख पा रहे होंगे कि इस तरफ का चौड़ा है और इस तरफ का छोटा है, मतलब ढोलक की चाटी इस तरफ है और इस तरफ ढोलक का बायां है। तो हमको ढोलक के बाएं के तरफ से खोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़ा साइज होता है, अगर इधर का खुल जाएगा तो ये अपने आप निकल आएगा, एक तो पहला ये है। फिर बायां थोड़ा सा लूज होता है, अगर थोड़ा बहुत सावधानी हम नहीं भी रखेंगे तो भी वो बच सकता है, लेकिन चाटी के तरफ बिल्कुल नहीं। बहुत ही आसानी से पूरी पैकिंग खोलना है और बहुत ही अच्छा पैकिंग इन्होंने किया हुआ है। और वीडियो में मैं आपको नंबर भी अभी दिखाऊंगा कि ये गिफ्ट मुझे कहाँ से आया है। चूँकि अभी बारिश का सीज़न चल रहा है और ये बारिश के सीज़न में सीधी बात है कि आपको और भी अच्छे ढंग से कोरियर को भेजना पड़ेगा, नहीं तो कोरियर में थोड़ा सा लापरवाही वो लोग करते हैं और ढोलक आपकी ढोलक जो है डैमेज हो सकती है, पानी में गीली हो सकती है, ढोलक ख़राब हो सकती है। और चूँकि इतनी दूर से आती हैं, कोरियर चार्ज लगता है इनका, और अगर ढोलक ख़राब हो गई तो उसको बना पाना और बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप छोटी जगह में हैं, फिर भी कहीं भी हैं आप, तो जो सेलर है उनका ये जवाबदारी बनती है कि वो ढोलक को अच्छे से पैक करके भेजें। और ये आप देख रहे हैं कि मैं आपके सामने ही ये जो ढोलक भेजा है इन्होंने, साहिल भाई ने, तो बहुत ही सावधानी के साथ मैं इसे खोल रहा हूँ। और बारिश का चूँकि ध्यान रखा है इन्होंने बहुत ज़्यादा कि बारिश अगर होती है तो पानी अंदर नहीं जाना चाहिए, इसलिए पूरी तरह से ये देखिए इतना मोटा जो है पन्नी बोलते हैं इसको, पन्नी में ये की गई है और उसके अंदर बोरी है और ये पूरी पैकिंग है, दो तरह दो लेयर में है ये, ताकि पानी अंदर जा ही नहीं सकता इसके अंदर। तो दोस्तों कोई भी सेलर होते हैं तो हमेशा उनका एक उद्देश्य होता है कि भाई अगर कस्टमर ने ढोलक लिया है, किसी आर्टिस्ट ने ढोलक लिया है, तो ढोलक उन तक सुरक्षित पहुंचना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा मोटा जो है लेयर है पन्नी का, काफ़ी, मतलब ये देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, ये मैं इसलिए दिखाता हूँ देखिए कि मैं YouTube चलाता हूँ, आप मेरे से सीखते हैं। मैं अगर किसी बंदे को रिकमेंड कर रहा हूँ कि भाई आप यहाँ से इंस्ट्रूमेंट खरीद सकते हैं, तो मैं गलत व्यक्ति को आपको परिचय नहीं कराऊँगा, जिसको मैं जानता हूँ कि हाँ भाई इसका टोनल क्वालिटी अच्छा है, अच्छी ढोलक देते हैं और अच्छे से वो आप तक ढोलक पहुँचाते हैं, मैं उसी व्यक्ति के बारे में अपने चैनल पर वीडियो डालता हूँ। तो देखिए ये एक लेयर है, एक लेयर का पन्नी है और ये दूसरा लेयर है, ये देखिए ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है, ये तीन लेयर पे ये पूरा पन्नी चढ़ाया गया है। ये देखिए एक और ये दूसरा, ये दूसरा लेयर और ये तीसरा लेयर है और एक ये लेयर है, ये चौथा लेयर है, मतलब ये चार लेयर का जो है, एक दो दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, तो चार लेयर पे इन्होंने पन्नी ऐसे राउंड में किया हुआ है।
तो फिलहाल ऐसे ही जो है सामान को भेजते हैं लोग, चूँकि सबको अपना अपना काम पसंद है, आपका भी मेहनत का पैसा है, तो जवाबदारी बनती है दुकान वालों की भी कि वो सामान अच्छे से आप तक पहुँचाएँ। अगर आप ऐसी ही शानदार पैकिंग और ऐसी ही ढोलक आप लेना चाहते हैं तो वीडियो में नंबर देखिए डिस्प्ले हो रहा है, आप इस नंबर पर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा मेरा बेड ज़रूर ख़राब होगा क्योंकि बेड में काफ़ी ज़्यादा कचरा निकल रहा है, पर कोई बात नहीं। ये देखिए फिर से एक बोरी के अंदर जो है फिर पन्नी लगाई गई है, और इसको भी निकालते हैं। ये देखिए ये पन्नी भी निकाला हमने और बोरी को हटा दिया हमने, ये भी हटा दिया। और देखिए ये जो है एक खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा बैग है, और बैग में आपके हथौड़ी वगैरह रखने के लिए, ये पूरा चैन है, इसमें दो लेयर में है ये बैग। देखिए यहाँ भी आप सामान रख सकते हैं, ठीक है। और इधर भी देखिए आप बहुत अच्छा, आप अगर ज़मीन पे रखते हैं ढोलक तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये। और ये आपके लिए हैंडल है, आप इसको उठा सकते हैं, ये देखिए पूरा हैंडल लगा हुआ है। और ये चैन है, बहुत ही खूबसूरत चैन इन्होंने लगाई है बैग में, ये देखिए। और ये मैं ढोलक के लिए नज़दीक ही पहुंच गया, और देखिए इन्होंने मुझे ये, और इसको जल्द ही ट्राई करेंगे। अगर आप सिर्फ ऐसे पूरे मंगाना चाहते हैं तो वीडियो में नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऐसे लेदर के लिए, ऐसे पूरों के लिए। ये तब ढोलक की पूड़ियाँ हैं, ये आप ले सकते हैं। और ये मोटे कुंडल वाली पूड़ियाँ हैं, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये कुंडल बनाए गए हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में नंबर आप देख रहे हैं, आप इनसे कांटेक्ट करिए। और ये रही ढोलक, थोड़ा वजन ज़्यादा है इसलिए नहीं निकल रही है ये, पर कोई नहीं निकलेंगे ये बात। ढोलक आ गई, ढोलक मैं बाद में खोलूंगा, पहले ये बैग दिखा देता हूँ। ये बैग देखिए पूरा यहाँ पर पूरा फोम लगा हुआ है, मोटा सा सीट है इसके अंदर, मतलब आप देखिए मैं इसको ऐसे बैग को ऐसा रखूँगा तो ये देखिए धीरे धीरे खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सीट पड़ा हुआ है, ये ऐसा पतला नहीं है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है ये। इसमें ऐसे हैंडल भी है, इसमें इसको भी आप रख करके स्कूटर में ले जा सकते हैं। इसको रख देते हैं इधर, ये देखिए इसमें भी बहुत मोटी पैकिंग की गई है, ये देखिए पूरी मोटी पैकिंग है ये काफ़ी। ये देखिए अभी मैं बहुत सावधानी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि अभी ये नाजुक जगह पे मैं हूँ, थोड़ा भी चमड़ा अगर ख़राब हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, दोबारा साहिल भाई को कष्ट देना पड़ जाएगा कि भाई आप भेजो। और ये भी काफ़ी चार पांच लेयर, मतलब इसको मोटा करके बनाया गया है। और ये भी देखिए इतना मोटा है, इसको हटा ही देते हैं। और ये देखिए ये ढोलक माता सरस्वती के आशीर्वाद से और साहिल भाई के प्यार से ये ढोलक मेरे पास आई है, और जय माँ सरस्वती। और ये साहिल भाई का यहाँ उन्होंने सील लगाया हुआ है, और ये उनका नंबर है, आप इस दिए गए नंबर पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, चूँकि साहिल भाई स्वयं अच्छे आर्टिस्ट हैं और उनका दुकान है काफ़ी होलसेल का, काफ़ी अच्छा काम है उनका, आप उनसे चमड़े के पूड़े मंगा सकते हैं, आप उनसे ढोलक मंगा सकते हैं, प्रोफेशनल ढोलक मंगा सकते हैं। अगर आपके पास कम बजट भी है तो भी आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनके पास हर तरह की ढोलक हैं, आप उनसे बात करिए। तो दोस्तों ढोलक का टोन देखिए, ये चाटी है बहुत, मतलब थापी, और बायां तो जवाब ही नहीं इसका। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसकी थापी का एक ठेका होता है वो बता देता हूँ, दादरा ताल में देखिए, नच
मुझे ऐसा लग रहा है कि लाउड हो रहा है ज्यादा। देखिए दादरा ताल की थापी, डबल चाटी, थोड़ा सा शार्पनेस कम आ रही है इसमें क्योंकि अभी नया लेदर है। ओवरऑल ढोलक बहुत अच्छी लगी, सब कुछ अच्छा है और टोन आपको देखिए